की लड़ी से लिपटी लक्ष्मी। मलिष्का ने चली चाल। खतरे में पड़ेगी लक्ष्मी की जान। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में मलिष्का लक्ष्मी से बदला लेना चाहती है और इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड सोनल के साथ मिलकर बनाया है ये प्लान, जहां देखिए कैसे वो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन लक्ष्मी को ये बता रही है कि कैसे वो इन पटाखों की लड़ी को अपने गहने बना ले। भाई लक्ष्मी दरवाजे के बाहर खड़ी सब देख रही है और ऐसे में मलिष्का बता रही है कि कैसे इस लड़ियों को पहना जाता है जिससे ऋषि खुश हो जाएगा। ऐसे रखना है अपने शोल्डर पे ठीक है और उसके बाद इसे ऐसे घुमाना है ऐसे करना है और ऐसे करने के बाद इसे ऐसे छुपा लेना है ठीक है ओके और छुपाने के बाद ना हम ऐसे दिखेंगे वाह और लेकिन एक तरह हम इसे ऐसे कपड़े से छुपा लेंगे उसके बाद हम जाएंगे सीधा मिंटू के पास और जब मिंटू कहेगा ना तो हम उसे ऐसे दिखा देंगे और फिर वो खुश हो जाएगा और खुश होके ना वो मुझे बहुत बड़ा सा इनाम देगा, बहुत बड़ा इनाम। फिर ना लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है कि किसी को ये पता ना चले और जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे मिंटू के पास हमें इसे छुपा के रखना है। भाई बच्ची बनी लक्ष्मी भोली भाली है और ऐसे में वो मलिष्का की बातों में आ जाती है और जब मलिष्का और सोनल वहाँ से निकलते हैं तो वो कमरे में पहुंचकर लड़ियों को पहन लेती है और उन्हें छुपा भी लेती है। कभी ऐसा कुछ करते हैं जो हम बाहर जाके अरे वाह क्या काम किया, ये तो बोलते हैं नहीं। बट अभी फिलहाल बिकॉज लक्ष्मी के दिमाग पे चोट लगी है और वो एक छोटी सी बच्ची बन चुकी है तो बेसिकली सोनल मलिष्का इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं बिकॉज उसको मैन्युपुलेट करना, उसे कन्विंस करना टू डू द रॉन्ग थिंग्स हैज़ बिकम ईजियर। पहले जो भी था कि वो समझदार थी वो क्यों मानेगी, बट अभी उसको मनवा पाना बहुत आसान है। तो अभी बिकॉज ऑब्वियसली ऋषि लक्ष्मी की शादी होगी और मलिष्का हमेशा से चाहती थी कि ऋषि उसके साथ रहे, उसके साथ शादी करे, तो लेकिन शादी होने के बाद बिकॉज लक्ष्मी बच्ची बन चुकी है तो अभी मलिष्का ने एक नया प्लान बनाया है कि चलो अभी हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि उसका ये जो बचपना है इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल आसपास के लोगों के लिए, फैमिली के लिए, और इसीलिए उसको यहाँ से, इस घर से भगाना पड़ेगा, राइट। तो अब ये कैसे करेंगे, तो अगेन सोनल मलिष्का मिले कुछ प्लानिंग करते हैं। सोनल लक्ष्मी को टेम्प्ट करती है कि ताकि उसको मलिष्का तक लेके आ सके बिकॉज वो मलिष्का से डरती है, और फिर मलिष्का के पास लेके आके हम लोग कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे उसको कुछ ऐसा करवाते हैं जो देख के पूरे परिवार वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे लक्ष्मी ने ये क्या कर दिया, और इस दो राहे पे आ जाते हैं क्या हम उसे असाइलम या मेंटल हेल्थ चेकअप के वहाँ पे भेजे या फिर हमने घर पे रखे, क्या करें। ये जो एक धर्म संकट पे आते हैं इंक्लूडिंग ऋषि, तो वो कैसे आते वो आपको देखने को मिलेगा इन सब एपिसोड्स में कि सोनल मलिष्का मिलकर एग्जैक्टली प्लान क्या करते हैं। तो बेसिकली मलिष्का करती क्या है, वो एक ऐसी क्या बोलते पटाखे की लड़ी लेके आती है और वो ऐसे दिखाती है कि वो कोई फैंसी ड्रेस पहन रही है और उस फैंसी ड्रेस पहनने के लिए उसे उसका जो बेस्ट फ्रेंड है मिंटू जो कि हमारा ऋषि है उसे कोई इनाम देगा, राइट। तो ताकि लक्ष्मी कन्विंस हो जाए कि अरे वो तो उसको भी इनाम चाहिए, तो वो कुछ ऐसा करेगी कि वो
जो पटाखे की लड़ी है वो लक्ष्मी पहन लेती है, लेकिन उसको कैसे पहनेगी, क्यों पहनेगी, उसको वो कन्विंसिंग का जो प्रोसीड्योर है वो क्या हम लोग प्लान करते हैं ताकि वो लक्ष्मी कन्विंस हो जाए वो पहनने के लिए, ताकि घर वाले सोचे कि भाई ये तो शीज़ अ टिकिंग बॉम्ब, राइट? और टिकिंग बॉम्ब मतलब एवरीबडी अराउंड हर इज इन डेंजर, वही दिखाएंगे। और मलिष्का का यही प्लानिंग है कि वो उसको पहन के उसके दैट कैन ऑल्सो एंडेंजर लक्ष्मी की जिंदगी, बट मलिष्का से फर्क पड़ता नहीं, मलिष्का बोले वो जिए वो मरे उसे क्या ही फर्क पड़ता है, उसे बस ऋषि चाहिए, बस उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ऋषि चाहिए, उसके लिए लक्ष्मी को कुर्बान करना पड़े कर दो यार, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत ही धमाकेदार होने वाला है मलिष्का की ज़िंदगी में, तो शायद इससे बड़ी दिवाली का बॉम्ब शायद कभी फटा ही नहीं होगा, पूरा ओबेरॉय मैंशन हिलने वाला है इस दिवाली के पटाखे से। सो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए दिवाली स्पेशल और जो चलता रहेगा कुछ और एपिसोड तक हमारे भाग्य लक्ष्मी को। पटाखों की लड़ियों को पहनकर लक्ष्मी दिवाली मनाने पहुंच तो गई है, लेकिन ऋषि इस बात से अनजान है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या वाकई लक्ष्मी की जान खतरे में पड़ती है या फिर ऋषि उसे बचा लेगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।